जीजीएम 2009 से बीजेपी के साथ अलायंस में थे और अभी उन्होंने प्रेस करके घोषणा की है कि वो टीएमसी के समर्थन के साथ हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता दीदी को देखना चाहते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और विमल दाजू और जीजीएम टीम के जितने भी मेरे साथीगण हैं, मैं उन सबको भी नए इनिंग्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी से अलायंस तोड़ने के पीछे क्या मजबूरी और क्या समझ थी, ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, जो हमारी खास करके पहाड़ तराई और डूवर्स की जनता को बहुत समझने वाली एक बड़ी बात ये है कि जो भी गोरखाओं की मांग है या जो दार्जिलिंग हिल्स तराई और डूवर्स की मांग है, वो एक संवैधानिक मांग है। उसका समाधान संसद में ही हो सकता है, उसका समाधान केंद्र सरकार ही कर सकती है। अगर किसी को अमेरिका जाना होगा तो उसको हवाई जहाज में बैठ के ही जाना पड़ेगा। अगर कोई चाहे अमेरिका साइकिल में बैठ के पहुंचने के लिए, वो नहीं पहुंच सकता। सो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं अपनी जनता को बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूं, हमको किसी भी तरह मिसलीड के पीछे जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और हमारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल जो है केंद्र की सरकार कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है, वो सक्षम है। और आज से पहले हम देख सकते हैं कि ऐसे देश में बहुत सारे जो विषय थे जो बहुत ही जटिल थे, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था, उन सब का भी समाधान हुआ है। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, राम मंदिर का बनना हो, और बोरोलैंड की जो समस्या थी उसका समाधान हो, सीएबी बिल ला करके सीए कानून बनने का काम हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और जो आज ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर में कि बीजेपी कुछ नहीं करती, मैं ये कहता हूँ, देखिए 72 साल से हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ काम हुआ है तो पिछले 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आपके माध्यम से एक प्रश्न मुझे ये भी पूछने की इच्छा होती है, आज जो गोरखाओं का जो स्थिति है, जिस लाचार अवस्था में हम हैं, क्या इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है? कतई नहीं। क्या हमारी गोरखालैंड की मांग या हमारी स्थायी समाधान की जो मांग है, क्या ये पिछले 6 साल की मांग है? कतई नहीं। 100 साल से पुरानी मांग है। तो आज से पहले भी बहुत सरकारें रही, तब समाधान क्यों नहीं हुआ? जबकि मोदी जी को तो 6 साल ही हुआ है, और उस 6 साल में भी पिछले जो 5 साल के कार्यकाल थे, उस समय बहुत सारे घटनाक्रम पहाड़ में घटे हैं, उसके कारण बहुत सारी बाधाएं थी। अब दूसरी बात, जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और बहुत तेजी से काम हुआ है, शायद अभी तक हमारा नंबर भी आ चुका होता, लेकिन इस कोविड महामारी संकट के कारण फरवरी मार्च से लेकर के अभी अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया, अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। और मैं अपनी जनता से यह कहना चाहता हूं, देखिए मेरा व्यक्तिगत अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्वार्थ हो सकते हैं कि उनको यहाँ पे जो है या तो जीटीए चलाना हो सकता है, या म्यूनसिपलिटी चलाना हो सकता है, या कुछ और उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरे साथ वो सब मजबूरी नहीं है। राजनीति से कोई इंटरेस्ट है न, जीटीए में कोई इंटरेस्ट है न, यहाँ के कोई म्यूनसिपलिटी में इंटरेस्ट है। मेरा एक ही उद्देश्य है, दार्जिलिंग हिल्स तराई और डूवर्स की जनता के साथ जो भाजपा ने वादा किया है, उस वादा को पूरा करना। मेरी पार्टी कमिटेड है और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ अपनी जनता को इस चुनाव से पहले कुछ न कुछ खुशखबरी आपके सामने आए, जिससे ये जो आज ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही कि भाजपा कुछ नहीं करती, मैं चाहता हूँ उसका भी जवाब जो है उन सबको मिले। ये जो कि भाजपा को सत्ता में आए हुए अभी 6 साल ही हुए हैं, और मुझे पता नहीं कौन सी कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और क्या आरोप है, ये तो वही बता सकते हैं। जितना मुझे पता है, हमारी जनता से हमने जो वादे किए हैं उसमें दो हैं, एक 11 जाति
जो छूटी हुई गोरखा की 11 जाति को एसटी का स्टेटस देना, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा जो स्थायी राजनीतिक समाधान, यानी दार्जिलिंग हिल्स तराई में गोरखालैंड की मांग जो है 100 साल से पुरानी एक संविधानिक मांग है, और हमेशा हम गोरखाओं के साथ खड़े रहे हैं और आज भी है, आने वाले समय में भी रहेंगे। और हमारी पार्टी ने 2019 के संकल्प पत्र में ये कहा है कि इसका कोई ना कोई स्थायी राजनीतिक समाधान हम करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग प्रतिबद्ध है, हम कमिटेड है और अवश्य आने वाले समय में करेंगे। मेरे पास अभी भी 3.5 साल का कार्यकाल है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है और जो है अभी बहुत समय है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा समाधान हो जिसके अंदर में जो गोरखाओं के सपने हैं वो पूरे हो, हमारा जो आइडेंटिटी का जो चिनारी का मांग है वो इशू उसके अंदर उसका समाधान हो, हमारा विकास हो, हमारी भाषा की रक्षा हो, हमारी संस्कृति कला और हमारी जितने भी धरोधर है उसका संरक्षण हो, ये सब कुछ समावेश करके ऐसा समाधान लेकर के आएंगे जिससे हमारी जो जनता की जो 100 साल से पुरानी मांग है वो पूरा हो। जी जो नेपाली में एक कहावत है, जो ची होचो तैसे का मुखमा गोचो। आज तक मैंने डे वन से सब अलायंस पार्टी को हमेशा आगे रख के काम किया है, जबकि भाजपा कोई कमजोर पार्टी थोड़ी ना है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी ताकत है, आधे से ज्यादा प्रदेश के अंदर में भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र में 300 सीट से ज्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा के सांसद है, और 72 साल बाद भारत को इतने शक्तिशाली एक प्रधानमंत्री मिले हैं, इतने शक्तिशाली जो है मुझे लगता है गृहमंत्री हम सबको मिले हैं। भाजपा कोई कमजोर पार्टी नहीं है, कोई लाचार पार्टी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा ये चाहा है कि रीजनल पार्टी है, रीजनल एस्पिरेशन है, वो कायम रहे, उनको हम बढ़ाएं। हमको हमेशा आज तक मैंने उनको प्रोत्साहन करने का ही काम किया। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि भाजपा इतनी कमजोर है, इतनी लाचार है। और देखिए, मैं हमेशा आज तक ये मानता था कि रीजनल पार्टी जो है हमारी मांगों को पूरी कर सकती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि रीजनल पार्टी सिर्फ मांगों को रख सकती है लेकिन पूरे करने की जिम्मेदारी मैंने देख लिया, या तो वो राज्य सरकार में होगी या केंद्र सरकार उसके लिए जो है सामर्थ्य है, सक्षम है। रीजनल पार्टी अपनी मांग रख सकती है लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकती, ये भी मैंने देख लिया। अच्छा, ये जो आपको ये इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, मैं खुद स्वयं उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और 2021 के चुनाव से पहले भी अभी भी 2 पार्लियामेंट्री सेशन होने हैं, एक विंटर सेशन है, एक बजट सेशन भी है। मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मैंने पहले बताया, कि चुनाव से पहले कुछ ऐसी घोषणा हो जिससे थोड़ा बहुत ये लोगों के मन में जो शंका पैदा करने की कोशिश हुई है वो दूर हो। और देखिए, मैं आपको इससे और अलग लेके एक बार बात को लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, हम गोरखा हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को, फिलोसॉफी को हम समझते हैं, मानते हैं, और हमें गर्व है कि आज देश को ताकत देने वाले ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो सीमाओं की रक्षा से लेकर के चीन पाकिस्तान को सबक सिखाने तक की बात हो, या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, या हमारे विकास डेवलपमेंट की बात हो, या हमारे पुराने जो जटिल मुद्दे थे उसका समाधान करने का विषय हो। सो हमें गर्व है इस बात का, और जब हम 100 साल से इस चीज़ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज ये अनुकूल समय आया है। हमारे पास केंद्र में ऐसी सरकार है जो हमें प्यार करती है, जो हमारे मूल्यों को जानती है, जो हमारी भावनाओं को कदर करती है, जो हमारे साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है। तो मुझे लगता है हमको ज़्यादा व्याकुल बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और मेरी तरफ से प्रयास है कि जल्द से जल्द इस काम को मैं करूँ।